नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है इंटीग्रेशन करना है sec x अपॉन sec 2x का, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए पहले इसको साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। तो sec x का हो जाएगा 1 अपॉन cos x और sec 2x का cos 2x ऊपर चला जाएगा cos 2x dx। cos 2x को एक्सपेंड करेंगे तो इसको अपने लिख सकते हैं cos square x माइनस साइन स्क्वायर एक्स या वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स या जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हैं। कोस टू एक्स इक्वल कितना आता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स या इक्वल होता है टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन या इक्वल होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। तो तीनों में से जो भी वैल्यू अपने पुट करना चाहे वो कर सकते हैं। तो ठीक है, अपने सबसे पहले वाली वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस एक्स डी एक्स, ठीक है। इक्वल कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करेगा तो ये बचेगा अपना कोस एक्स, ये अपना रह जाएगा टेन एक्स डॉट सेक एक्स, और इसका इंटीग्रेशन करना है। तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स माइनस सेक एक्स, टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स एंड माइनस का माइनस रहेगा, तो ये अपना आंसर आ जाएगा क्योंकि अपने डेरिवेटिव करते हैं डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल होता है सेक एक्स टेन एक्स, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है वन अपॉन कोस थ्री एक्स माइनस कोस एक्स डी एक्स। इसमें अपने कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला लगा देंगे, पुट करेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर में। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं उनको अपने जो हर में दिया हुआ है उनको वैल्यू को हटा के ऊपर अंश में ले जाना होता है, ये उनको दोनों को सेपरेट करने होते हैं, ऐसे टर्म में सेपरेट करना होता है जिनके इंटीग्रेशन अपने को पता है, ठीक है। अपने यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे कोस सी माइनस कोस डी का, कोस सी माइनस कोस डी इक्वल कितना होता है माइनस टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू डॉट साइन सी माइनस डी अपॉन टू, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे तो ये अपना हो जाएगा वन अपॉन माइनस टू साइन थ्री एक्स प्लस एक्स 4x डिवाइड करेंगे 2 से तो ये बचेगा 2x और 3x माइनस x होगा तो ये 2x बचेगा और 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा cos x बचेगा, ठीक है। ये dx इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो अब देखो sin 2x का फॉर्मूला एक्सपेंड कर देंगे, sin 2x कितना होता है sin 2x इक्वल होता है 2 sin x डॉट cos x, यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन टू, देखो एक तो साइन एक्स ये तो ये बचेगा टू साइन एक्स और एक ये कोस एक्स है तो कोस एक्स इससे कोस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। तो अब इनको सेपरेट करने के लिए अब क्या करेंगे कि वन की जगह रख देंगे अपने साइन स्क्वायर एक्स प्लस को स्क्वायर एक्स इक्वल वन होता है तो वन की जगह ये पुट कर देंगे अपने वैल्यू, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस वन अपॉन टू, इसको बाहर ले लिया, यहाँ पर वैल्यू रख दिया अपने साइन स्क्वायर एक्स प्लस को स्क्वायर एक्स अपॉन टू साइन एक्स डो को स्क्वायर एक्स। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा माइनस वन अपॉन टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स है, ये यहाँ पर टू नहीं है, ये बाहर आ गया ना, तो एक साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा और दूसरा बचेगा सेक एक्स टेन एक्स बचेगा, ये सेक एक्स डॉट टेन एक्स और इसको डिवाइड करेंगे तो कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा कोसेक एक्स प्लस कोसेक एक्स और इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस वन अपॉन टू सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स और कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है अपना सेक एक्स और कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है प्लस
लो 10 एक्स अपॉन टू का मॉड, ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। इसके अलावा आपने याद रख सकते हैं कोसेक एक्स का क्या बताया फॉर्मूला, कोसेक एक्स डी एक्स का होता है लोग 10 एक्स अपॉन टू का मोड, और इंटीग्रेशन करें अपने सेक एक्स का, सेक एक्स डी एक्स इसका इंटीग्रेशन होता है लोग 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई टू, ठीक है, ये दोनों इंटीग्रेशन अपने लर्न करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई इक्वल अंडर रूट 1 प्लस 2 टेन एक्स, टेन एक्स प्लस सेक एक्स डी एक्स, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए पहले अपने अंडर रूट हटाना पड़ेगा, इसके लिए अपने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे 2 टेन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो इसको अंदर पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रूट 1 प्लस ये 2 टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स, और 2 टेन एक्स को सेक एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टेन एक्स डॉट सेक एक्स और ये डी एक्स इक्वल कितना रहेगा अपना। अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स या 2 टेन स्क्वायर एक्स है तो इसको अपने सेपरेट करके लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल कितना होता है अपना सेक स्क्वायर एक्स प्लस क्या बचेगा अपने पास टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 टेन एक्स डॉट सेक एक्स और इस सब का अंडर रूट और ये डी एक्स। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला बन गया ये, तो इसको फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा अपना सेक एक्स प्लस टेन एक्स का स्क्वायर और उसका अंडर रूट डी एक्स, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा अपना इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस टेन एक्स और डी एक्स। अब सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है अपना इंटीग्रेशन होता है लोग 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स पाई 2 और प्लस टेन एक्स का इंटीग्रेशन होगा जैसे साइन अपॉन कोस, तो ये जाएगा लोग सेक एक्स, ठीक है, तो ये आंसर। नेक्स्ट इंटीग्रेशन है अपना 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए डॉट साइन एक्स माइनस बी डी एक्स, तो इनको ऐसे टर्म में सेपरेट करेंगे जिनके अपने इंटीग्रेशन आता है, इसके लिए अपने इसको क्या करेंगे जो नीचे एंगल दिए गए ना एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इनको इस तरह से लिख देंगे अपने साइन एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, ये करेंगे तो देखो x माइनस ए से x माइनस बी माइनस करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या साइन b माइनस ए, तो जो बचेगा उसको अपने डिवाइड कर देंगे साइन b माइनस ए, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो इसको अपने डिवाइड कर सकते हैं और इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। अपॉन क्या रहा साइन x माइनस ए डॉट साइन x माइनस बी डी एक्स। अब अपने साइन वाला फॉर्मूला लगा देंगे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर आस वाले टर्म पे, तो ये फॉर्मूला लगाने से क्या हो जाएगा साइन बी माइनस ए इंटीग्रेशन साइन ए, तो ये आ गया अपना साइन एक्स माइनस ए डॉट कोस बी, तो कोस बी है एक्स माइनस बी कोस एक्स माइनस बी माइनस फॉर्मूले से कोस ए कोस एक्स माइनस ए डॉट कोस एक्स माइनस बी कोस एक्स माइनस बी अपॉन साइन एक्स माइनस ए डॉट साइन एक्स माइनस बी डी एक्स, ठीक है, तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना बचेगा साइन बी माइनस ए, ये वैसे को वैसे रहेगा, इसको डिवाइड करेंगे देखो साइन एक्स माइनस ए से साइन एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या कोस एक्स माइनस बी अपॉन साइन एक्स माइनस बी मतलब कोट एक्स माइनस बी, माइनस का निशान आएगा फिर इसके देखो कोस एक्स माइनस ए
और साइन एक्स माइनस ए, ये तो बन गया कोट एक्स माइनस ए, और साइन एक्स माइनस बी से यहाँ पर साइन है, सॉरी साइन एक्स माइनस बी है, तो साइन एक्स माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये इतना बचेगा और ये डी एक्स, ठीक है। तो अब अपने इसमें कोट एक्स, कोट एक्स का इंटीग्रेशन अपने को आता है, तो ये हो जाएगा अपना, ये तो वैसे का वैसे रहा साइन बी माइनस ए, और कोट का हो जाएगा लोग साइन एक्स माइनस बी माइनस ये हो जाएगा लोग साइन एक्स माइनस ए। अब इनको चाहें तो वो लोग एम माइनस लोग एन है, वो फॉर्मूला वो लगा सकते हैं इसमें, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, साइन बी माइनस ए तो ये बचेगा लोग साइन एक्स माइनस बी अपॉन साइन एक्स माइनस ए। इंटीग्रेशन दिया गया है एक्स रेज टू फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डी एक्स। देखिए इसका एक मेथड तो होती है कि हम इसको डिवाइड करें, क्योंकि अंश की घात है वो हर की घात से ज़्यादा है, इसलिए हम उसको भाग विधि से भाग दें और जो फिर बचे उसका अपने सेपरेट करके हल करें, या फिर अपने ना जो हर में दिया हुआ है एक्स की पावर चार प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसके फैक्टर होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये फैक्टर होते हैं, ये अपने को याद रखने हैं, ये कई इसके काम आते हैं अपने। तो एक्स रेज टू फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, केवल यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर होते हैं, तो ये इसकी जगह अपने पुट कर देते हैं, तो ये अपना इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डी एक्स, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स प्लस सी, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है साइन रेज टू एट एक्स माइनस कोस रेज टू एट एक्स अपॉन वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसके अपने फैक्टर करेंगे, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स, और जो हर में दिया हुआ है उसमें वन की जगह अपने लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल वन लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि किसी भी चीज़ का अपने स्क्वायर होता है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वो कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है, तो यहाँ पर अपने ए स्क्वायर प्लस वन की जगह अपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस को स्क्वायर एक्स ले रहे हैं और टू ए बी अपने को दिया हुआ है, जिससे कि ये स्क्वायर बन जाएगा इसका, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें पुट करते हैं, तो अपना इंटीग्रेशन बन जाएगा साइन रेज टू एट एक्स और माइनस कोस रेज टू एट एक्स है, तो ये बन जाएगा अपना साइन रेज टू फोर एक्स प्लस कोस रेज टू फोर एक्स और साइन रेज टू फोर एक्स माइनस कोस रेज टू फोर एक्स अपॉन वन की जगह अपने रख रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो इसकी पावर अपने को इसकी पावर दो करनी पड़ेगी, तो इसलिए टू करेंगे ताकि ये अपना इसके फैक्टर हो जाए, इसके फैक्टर बनेंगे साइन रेज टू फोर एक्स प्लस कोस रेज टू फोर एक्स, ये बनाने के लिए अपने इसमें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर रख रहे हैं वन की जगह, माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स दो कोस स्क्वायर एक्स, ओके। तो इसके बाद अपना हो जाएगा ये ऊपर वाला तो सेम का सेम रहेगा साइन रेज टू फोर एक्स प्लस कोस रेज टू फोर एक्स, और ये रहेगा अपना रेज टू फोर एक्स माइनस कोस रेज टू फोर एक्स, ये आगे अपने फैक्टर हो सकते हैं लेकिन आगे बाद में करेंगे इसके फैक्टर, एक बार इतना शो हो जाए। तो ये स्क्वायर करेंगे तो
ये अपना आएगा, इसका देखो स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा साइन रेज टू 4x, प्लस कोस स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा कोस रेज टू 4x। अब प्लस है तो प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये ए 2ab आएगा तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स। ये इसको एक्सपेंड कर लिया आपने, माइनस ये है ये रहेगा माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स। ये प्लस है ये माइनस है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा पास अपने पास, यहाँ बचा है साइन रेज टू 4x प्लस कोस रेज टू 4x, तो ये पूरी चीज़ है ये ऊपर है इससे ये कैंसिल हो जाएगी। तो अपने पास सिर्फ बचा है साइन रेज टू 4x माइनस कोस रेज टू 4x dx। इसको एक्सपेंड करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स डॉट साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 बनता है और बाकी बचा अपने पास साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अपने कोस 2x का फॉर्मूला जानते हैं, कोस 2x इक्वल होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगर इसमें माइनस कॉमन ले लें तो ये माइनस कोस 2x बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स है तो ये अपना बन जाएगा माइनस इंटीग्रेशन कोस 2x dx। कोस 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2x, साइन 2x यहाँ पे 2 है अगर मल्टीप्लाई में x के साथ तो ये डिवाइड करेगा इसको बाद में, तो ये माइनस साइन 2x प्लस अपॉन 2 प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा इसका।